अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का करम हो, आप लोग खैरियत से हो और हमेशा खैरियत से ही रहें। आज देखिए मेरे घर का काम जल्दी हो गया है। आज हम लोग अपने पार्लर जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से पार्लर नहीं खुला है और खुलता भी था तो सब लड़कियां जाती रहेंगी, हम मेरा जाना नहीं हो पा रहा। जब से अली हमारी लाइफ में आए हैं तो पार्लर बहुत कम जाना हो रहा है, पर अब हमने सोचा है कि आज से स्टार्ट करेंगे। भाई जाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो कैसे आगे गाड़ी चलेगी, जाना तो है। अब अली हमने तैयार करके देखिए, मेरी मम्मा सो रही है, अली सो रहे हैं, अब बस हम लोग सारे उनका सामान रखा है पार्लर ले जाने के लिए। अब सपना वहाँ पर आ जाए, बस हम लोग पार्लर के लिए निकलते हैं। देखिए हम लोग अपने पार्लर आ चुके हैं, छोटा सा पार्लर है मेरा, बस देखिए बोलो आ जाओ आजा बेटा आजा बेटा आजा। देखिए कितना गंदा पार्लर है, लड़कियां आती है पर साफ नहीं होता, तीन चार दिन के बाद आज खुला है, बेहिसाब गंदा है, अभी इसको साफ करने में काफी टाइम लगेगा। लाइट जलाओ, लाइट ऑन करो, जला रहा और जलाओ, बस इसको चेयर साफ कर दो, भैया को यहाँ बिठा दे। हाँ ले लो, ये देखिए मेरा पार्लर की सफाई हो चुकी है, अब अच्छा ये बतिया पकड़ लेगी, ये नहीं पकड़ पाएगी, मैं नहीं पकड़ पाएगी, पकड़ अली। आज जब हम घर से आए तो हमने सोचा पता नहीं ये हमको पार्लर में रुकने देंगे कि नहीं रुकने देंगे, मगर देखिए माशाल्लाह से खेल रहे हैं, हमको इन्होंने आज बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है, अच्छे से खेल रहे हैं। बाबू बाबू, मेरा बेटा बहुत अच्छा हो गया है, अब मम्मा को नहीं परेशान करता है ना। ओ बाबू, आ जल्दी इधर आओ, नहीं आओगे शरबत का जग रखा है, पानी की गिलास रखी है, दूध कटा हुआ रखा है, चने हैं, फुल्की है, और ये मेरा बदतमीज बच्चा बराबर से बोल रहा है, देखिए आप लोग समझ जाइए कितना बदतमीज है ये। मैं रोजा अफ्तार करके कर चुकी हूँ, करके नमाज पढ़ चुकी हूँ, देखिए नमाज पढ़ चुकी हूँ, बाकी का सामान ऐसे ही रखा हुआ है, जब वापस सब नमाज पढ़ के आएंगे तो फिर दोबारा आएंगे, आके उन्होंने कहा है अभी ये चीज रख दो, जब नमाज पढ़ के आएंगे तब देखेंगे। अब वो नमाज पढ़ के आएंगे, अभी उनका शरबत भी वैसे ही रखा है, उनका सारा वो सिर्फ जरा सा कुछ खाते हैं और चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वैसे सभी लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा खाते हैं नमाज पढ़ने, क्योंकि मगरिब की नमाज में टाइम नहीं होता है ना, तो इसलिए चले जाते हैं नमाज पढ़ने। हम भी पढ़ चुके हैं, अम्मी मेरी उधर पढ़ रही है नमाज, अभी सब लोग आएंगे नमाज पढ़ के वापस से, इसीलिए दस्तरखान अभी भी लगा हुआ है। सपनम सपनम शायद उस तरफ है कि मेरे अली को लेकर गई है, हमने कहा तुम उसको पकड़ लो, हम नमाज पढ़ रहे हैं फिर तुम पढ़ लेना, हम और मम्मी पढ़ चुके हैं नमाज, मम्मी उधर शायद पढ़ रही है ना, सपनम लेकर गई है भैया को, वो रही देखो
हो रही है। सब मैम क्या हो रहा है? इक्को बस ऊ ऊ करना आता है ना, ऊ ऊ करना आता है। ये देखिए सब सज रहा है मेरी गली में। अभी रात में फंक्शन होगा, देखते हैं कैसा होता है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। वो देखिए उस तरफ खाना बन रहा है, सारी तैयारियां हो रही हैं। फंक्शन का फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है, लोग आ चुके हैं। देखिए हमारी गली में सारे द्वारों बंद कर दिए मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।